हेलो हाय गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के कट ऑफ के बारे में। तो बच्चों, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की ऑफिशियल एजेंसी है, तो आपको वहाँ पर जाना है। और आपको बता दूँ, वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर के है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, OMR सीट है, अपलोड कर दिया गया है। आई होप आप सभी OMR सीट को आपके आंसर सीट मैच कर चुके होंगे और आप अपने जो मार्क्स हैं वो भी कैलकुलेट कर चुके होंगे। अब बात आती है कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता तो बिल्कुल ही नहीं है। नॉर्मली हम लगा दें, वह निर्भर करता है जहां से आप अप्लाई किए हैं वहां पर अवेलेबल सीट और स्टेट की वैकेंसी और उनके आरक्षित सीट पर, और साथ ही स्टूडेंट की कुल संख्या पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है छात्रों के हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स पर निर्भर करता है, और उसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया हमारा, और इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हमारा हो गया ST या SC या फिर हैंडीकैप्ड और डिफेंस होम वाले जो भी हो गए या अदर स्टेट वाले, है ना, तो इस पर निर्भर करता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो यदि आपको कट ऑफ पार करने के लिए सबसे पहले क्या जानना चाहिए, तो आपको पहले क्वालिफाई मार्क्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स है यानी आप 400 में यानी 45% मार्क्स नहीं लाए हैं तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको, यदि आप जनरल के हैं, तो आपको 180 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, ये हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। और अभी बात करते हैं क्लास 9th की, इसके बाद आएंगे हम क्लास 6th के बारे में। तो यदि आप OBC ST SC हैं तो आपको 40% जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 160 नंबर आपको चाहिए क्लास 9th के लिए। और PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि 35% आपको उसमें लाना है, यानी 140 नंबर से ऊपर होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। बात करें क्लास 6 का, तो क्लास 6 के लिए आपको जो है 300 का आपका मार्क्स रहेगा, उसमें से आपको कितने लाने हैं, आपको लाने हैं जनरल वालों को लाने हैं, वही हमारा 45, 40 और 35 का रेशो रहेगा, यानी जो जनरल के हमारे हैं उनको लाना पड़ेगा हमारा नंबर जो है 135 चाहिए। इसके अलावा जो हमारे ST SC और OBC के हैं उनको चाहिए 120, और जो हमारे होंगे PH यानी फिजिकली हैंडीकैप, इनको चाहिए 105 नंबर। तो इनका ये हुआ क्राइटेरिया यानी पासिंग मार्क्स के लिए। तो बच्चों, आपको हम बता दें कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको एग्जैक्ट और एक्यूरेट लाने के लिए हमें आपके मार्क्स की ज़रूरत है। तो आप अपना मार्क्स जो है कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स पर हमारे साथ शेयर करें। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना देना है, आपको स्कूल का नाम लिखना है। तो पहला हमारा क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिख देना। स्कूल के नाम लिखने के बाद आपका जो है कैटेगरी है, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी यानी कि जैसे OBC है, जनरल है, या फिर आपका क्या है ST, ST, SC, PH है, जो भी होगा आपको उसको लिखना है। इसके अलावा आपको मार्क देना है, तो मार्क आपको लिख देना है कि 206 या आप क्लास 6 के होंगे तो 300 के क्या होगा, उससे कम ही होगा, यदि क्लास 9 के होंगे तो आपका 400 से कम होगा। तो आपको मार्क जो भी है 350, 301 जो भी हमारा 300 होगा, जो भी है आपको लिख देना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको नाम देने की जरूरत है, और शर्माने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कमेंट करेंगे, यदि कमेंट आता है तो मैं सारे के सारे कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो भी आपके दोस्त भी हों, मित्रजन हों, उनको आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी अपना जो है ये क्लास 6 के हो या क्लास 9 के, वो भी अपना क्या करेंगे, मार्क्स को जो है यहाँ पर शेयर करेंगे। तो मैं आपको एक्यूरेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने की कोशिश करूँगा, और जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कट ऑफ भी जारी होने वाली है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।